पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में, इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ से बताया कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कभी यू ऐसे अवसर लगा कर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते, भले इसका अर्थ कवि कर दो लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है आपको दिखाते हैं, अब जैसे ये यजुर्वेद है अब इसके दो बिंदी यहाँ लगा दें तो, और इसका अलग अलग कर दें तो भी ये यजुर्वेद ही है। ये देखिए इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैरी सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय 3600 अध्याय, 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है, यहाँ देखो ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया, बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव, जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहां इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया, अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर, हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर जो आपको पहले दिखाया था, ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है, ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था, ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं 26। इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी साधना करने वाले धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है, वहाँ उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है, तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर, कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे,
विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे इसमें लिखा कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़े हमने, ना कोई नकली नो कह देगा और प्रश्न दिखा दिया होगा, ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहाँ विराजमान है ऊपर ऊपर के लोक में, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत, आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, या देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ लिया। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत ये बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है, जैसे पहले कांसी, कांसी धातु होती थी कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे, वर्षा के दिनों में जो बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी तीन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें, पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के, मुचे नहीं मुचकाए। वो दृढ़ भक्त होते हैं, उनमें से कौन कौन है जिनको मिले, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ाने जिला हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। नौवें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है।
ये समझ ले कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, यहाँ अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियाँ अपनी अपनी अपने अपने उत्कृष्ट उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, हाय हाय, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डा दिया, वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले अभी आपको बताया था, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाके वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले, मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था रूपदास नाम के एक उनके गुरु जी से, 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे, और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे, वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी, जाकर परमात्मा ने कहा हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूँ भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला, बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये, और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवर कोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा हे महात्मा जी, मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिन मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में, पहले को तो पहले बना लेता हूँ, लेकिन संघ का समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का, आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उसे एक प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो? अकां जी, क्या गीता जी में ये मंत्र हैं? ना जी, ना जी। फिर क्यों आप इन जाप कहाँ से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता, फिर किस लिए कर रहे हो?
अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है, आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो, आप किसकी पूजा करते हो, गीता किसने बोला है कि श्री कृष्ण जी ने बोला? धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो, क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी है, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, वो कौन है वो परमात्मा? वो तो आपके गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता, लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा, अंतर ध्यान हो गए उनको मिले नहीं, एकदम सामने से अंतर ध्यान होते ही अक्का बक्का रह गया, तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था, देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रो सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट होया धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ, तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाके, जो धानक रूप में जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में, और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहाँ रहा करते थे, और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक ऊंच पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही, उन्हीं की शनाखत पर उनको वहाँ नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए एक दो नौकर जाता था साथ में, श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहाँ स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रसन्न उतरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूँ, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब नानक साहिब जी ने जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान हैं, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति सृष्टि और संहार करते हैं, अजर व अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित पाठ करना चाहिए, नित पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीता राम, राधे राधे श्याम मिला दे, और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं? परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए, यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है,
मैं तो निकला भगवान के लिए हूँ। नानक साहब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूँ, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हाई का कार्य करता हूँ धानक का, परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ और मैं आपको गुरु धारण करता हूँ, आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रसन्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला, कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे, परमेश्वर ने प्रसन्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रसन्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो, हाँ विष्णु समझो थे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता कि हे गुरु जी ये तो नाशवान है, अविनाशी कहाँ हुए, आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्व अभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है, मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3रे स्कंद में और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उसमें कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहब जी से पूछने लगे अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहब जी ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला ये कौन था, कि ये धानक था कमीन छोटी जात का, छोटा मुंह बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बता रहा था ये, और मैंने इसको फिर सुनाया सही ज्ञान थे हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें, उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की, उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं ये तो अपने बारे में बोल रहे। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नाशवान लिखा है, इनके माता पिता भी हैं और ये हिंदू धर्म के गुरु, इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तरफ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे, नौकरी करता हूं नौकरी त्यागूं कैसे, और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूं धानक हूं। अंदर से पुकार की है, परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते वहां देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे, गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहां पहुंचे तो नानक साहब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुंच गए, उसी तरह फिर बात करने लगे। काफी देर चर्चा हुई,
तो उस समय जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अन्य नहीं देख पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि अकेले नानक साहब बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। तो दूसरे कहा करते कि ये भक्त आदमी है, अपने आप ऐसे ही बोलता रहता है, कई बार भगवान की महिमा गुनगुनाता रहता है और वो बातें ऐसे कर रहा जैसे सामने कोई बैठा हो। तो अन्य जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपना स्नान करने में व्यस्त हो गए, तो उसी समय परमात्मा से नानक साहिब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा भी साधु रूप में, जिंदा के रूप में, और नानक साहिब जी दरिया के अंदर छलांग लगा दी, तो परमात्मा ने अंदर से ही उनको अंतर ध्यान किया दरिया से ही, और अपस्ट्रीम में ले गए। अब अन्य व्यक्तियों ने सोचा कि ये डूब गए, काफ़ी देर बाहर नहीं निकले तो हाहाकार मच गई, नगर में शोर हो गया, गोताखोर आ गए, दूर तक जाल डाल कर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहिब जी डूब गए, उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराया, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड ये सब रास्ते दिखाए, फिर सचखंड में जब पहुंचे, तो सचखंड में जब पहुंचे तो वहां परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पर मुकुट है मालिक का, श्वेत मुकुट है, और एक रोम कोप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए, तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहां का कोई सेवक नौकर गण होगा। कबीर साहब ने वहां उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जुलाहा ये जो साधु है जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे वो तख्त पर बैठ गए ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजोमय शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहेब जी असमंजस में पड़ गए भी भगवान कौन सा इनमें, इतने में तेजोमय शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए, उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे, चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में काशी शहर में भारतवर्ष के अंदर एक धारक की भूमिका कर रहा हूँ, जुलाहे रूप में रहता हूँ, और वहाँ मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहिब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहाँ भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि हे भगवान सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा आप वापस जाइए, आप जब यहाँ से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही, आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे, उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें
जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सारनाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते, जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे यदि नियमित रहोगे तो। पुण्यात्मा वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है। और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया, शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहिब उसी दरिया पर दिखाई दिए, अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे, सबने देखा कि नानक साहिब तो जीवित हैं, जीवित हो, खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की, और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे, 1, 2, 3, 13 से आगे गिनना भूल गए, 13 13, हे भगवान यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 13 13 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया, और स्वयं वो वहां उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के, वेशभूषा बना के शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच कराई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहां नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर लें। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूँगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यहीं रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था, और उसकी खोज करूंगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां आए, 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे, और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे, उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था, उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे, और आते ही वे अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटा वैता, कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नजारा सचखंड का, जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियां निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है,
ये पंजाब प्रांत की झांकी है, इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की नन कीती वाह, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई, कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति यानी परमात्मा के प्रति, और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, दो अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सर्वपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समृत है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का तीन मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है, उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने भी नहीं पता, संकेती कही। अब ये दो अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम, और सारस नाम वो आदि नाम भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह, फिर उन्होंने वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु। अपने आत्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धानक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुनात्मा ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हम सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया का सीमाए कबीर हुआ। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े, पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रस्ते में बहुत से सिद्धों से महापुरुषों से मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजर अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था नानक जी को प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्मा हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आके अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोल न बोल, और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है बोल।
अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त, अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं लेकिन वो परमात्मा आए स्वयं, ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। अब नानक साहिब जी ने कहा कि कौन कबीर, कहाँ है वो, अब मुझे मिलाओ उनसे। आदरणीय रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया आदरणीय नानक साहिब जी के साथ और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहां अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे, उनको पता था कि प्यासी आत्मा आ रहे हैं, कहां तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में, कहां बनारस काशी शहर भारत में, वहां पैदल पहुंच गए। और कुछ भगत ऐसा करते हैं जी 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है, अरब तो गाड़ी चलें, रेल चलें, हवाई जहाज चल पड़े, जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते और उन्हीं को मिलता है। तो वहां जाकर देखा कि सचमुच ये तो वही है जो सचखंड में देखा था, ओहो ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहिब जी ने कहा था फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, लोगो ये धानक रूप रहा करतार, देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू भी ए प्रवर्दिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहां पर ये अनुवाद करता कहते थे कि यहां कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहां मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष अपनात्माओं। ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी प्रकाशक पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है, ये सिद्धानाल गोष्ठी हुई, तो यहाँ है साखी होर चली, आगे साखी होर चली, यहाँ से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धानाल गोष्ठी हुई, मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे ता कोई भी ना ही ठहर, आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी वचन किता मर्दाना, असानू करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है, आय है इस तरह सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, असानु करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो करतार थी असाडी दृष्टि विच
तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली, इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है, 252 पृष्ठ पे सिद्धानाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया, जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी की, हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन, जहां तोड़ी जल और पवन है उसके हुक्म विच चलते हैं, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उसके आगे आखे विच हन, और जिस ताहीं बाबा जिंदा मिलेगा उस ताहीं बाबा आखना चाहिए, होरस ताहीं बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा ओए है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी, फिर दे आए तो तुसानू कद मिलिया है? ता गुरु नानक जी की, हाँ मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया सें, तुम्हारे साथ नहीं था, जद असी मिलन गए से ता मर्दाने कहा, जी कद गए से सें? ता गुरु जी कहा, जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी, तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सता संपूर्ण जगत नो आसरा दे रही है, अते मर्दाना जिंदा उसनो कहिंदे हन जो काल के वस ना होए, अथों काल उसदे वस होई ता मर्दाना की हाजी उसदा रंग की है, अते उसदा आसन किथे है? ता गुरुजी की, हाँ मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई भी लाली मिलदी नहीं, अते उसदे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने के से रंग है, पर उना दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली, और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे, देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए, तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तू किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो? इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार, कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे।
दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी है अमृतसर से, और ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ प्रश्न नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा, नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की, और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, निम्दा चारों कूट को जानन पीर फकीर। चारों कूट में घूमता है वो परमात्मा, और वो आलम बड़ा, ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? श्री दास का नाम पीयूष दास है। पीयूष जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बड़वानी संभाग इंदौर MP से। पीयूष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 13 जून 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, जैसे कि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो भी जितने भी देवी देवता है सागे की पूजा करते थे, लेकिन विशेषकर हम हनुमान जी को ज़्यादा मानते थे। हमारे घर के पीछे ही जैसे हनुमान जी का मंदिर है, तो डेली स्कूल जाने के पहले हम हनुमान जी के मंदिर जाते थे, तिलक लगाना और जो भी क्रिया होती सागे करते थे। पीयूष जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए कि जो हमारे नाना जी और नानी जी है वो मतलब बरवाला आश्रम जा रहे थे, तो उन्होंने हमें ऐसे ही फ़ोन किया कि क्या आप भी चलोगे। तो उस वक्त मेरी छुट्टियां चल गई थी, जून का महीना था, तो मम्मी ने कहा कि हाँ हो आओ, ऐसे ही घूम आना। मतलब उस वक्त हमें कोई ज्ञान नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज कौन है और वो क्या साधना बताते हैं। तो हम ऐसे ही, मतलब सबसे पहले मैं ही गया था मेरे घर से, तो मैं ऐसे ही घूमने के हिसाब से गया था कि चलो देख आते हैं। तो जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया, मतलब बरवाला आश्रम गया, तो मतलब मैंने वहाँ के जो, वहाँ का जो आवभाव देखा, जो वहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनका व्यवहार देखा, वो सभी आपस में सत्साहब करते थे, और मतलब वहाँ पे इतना अच्छा माहौल था, मतलब मुझे वहाँ जाते ही से ही बहुत शांति महसूस हुई। तो कहा मेरे मामा जी और नानी जी को कि मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दीजिए। तो इस प्रकार से हम संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। पीयूष जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, हमें बहुत से लाभ हुए।
लेकिन सबसे पहले तो हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ, हमें ये पता चला कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, हमें किसकी भक्ति करना चाहिए, हमें इस मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला है, हमें मतलब ये पता चला कि कौन पूर्ण परमात्मा है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। और दूसरा लाभ शारीरिक लाभ भी हुआ, जैसे मेरे मम्मी को ब्रीथिंग और एलर्जी की प्रॉब्लम थी, मतलब वो लगभग 10-15 वर्ष से मतलब परेशान थे, वो घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ना ही कुछ ऐसा खाने में मतलब बहुत ज़्यादा परहेज करते थे, बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत होती थी, हर महीने हर 15 दिन में उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, कभी कभी तो रात में भी तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, एकदम सीरियस हो जाते थे, तो रात में भी हमें डॉक्टरों के पास उनको ले जाना पड़ता था। और जो मुझे भी मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी, जैसे आंखें दर्द करना, सिर दर्द करना, और कान में से भी बहुत ज़्यादा लिक्विड निकलता था, तो हम घर पे हम दो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे और हर महीने हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जैसे ही हमने भक्ति प्रारंभ करी, सभी मतलब 4 महीने में हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गया। तो जैसे ही हम भक्ति करते गए तो हमें हमारे स्वास्थ्य में हमको सुधार आता रहा, और मतलब आज हम पूरे स्वस्थ हैं, मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, और मतलब जो डॉक्टर ने मुझे कान का ऑपरेशन करने के लिए बोला था, तो वो हमने कुछ ऑपरेशन भी नहीं करवाया, मालिक की दया से आज हम भक्ति कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। और जो मेरी मम्मी को भी जो प्रॉब्लम थी ब्रीथिंग की, एलर्जी की, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है, ना ही आज हम कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही कुछ दवाई गोली लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरा परिवार हमारा सुखी है। पीयूष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आपकी मम्मी को 12 साल से एलर्जी की परेशानी थी, वो सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? या जो भी श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी से और ख़ासकर मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स, उनसे भी यही विनती करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए, पहले उनका ज्ञान सुनिए कि वो क्या बताना चाहते हैं। और जो मतलब मेरे फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि अभी तो हमारे मौज मस्ती करने के दिन हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपन काल के लोक में गए हैं और यहाँ पे एक पल का भी भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जीवित रह पाओगे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आपको सद्भक्ति मिल जाए, उसी उम्र में भक्ति कर लेना चाहिए। और आज इस पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी सद्भक्ति नहीं बता रहा है। जितने भी धर्म गुरु हैं, सब अपना मनमाना आचरण करते हैं, उनका जो भी ज्ञान है वो अपने सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के देखिए, उनको अपने सदग्रंथों से मिला के देखिए, आपको अच्छा लगे तो नाम दीक्षा लीजिए। पीयूष जी, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और जेल में होते हुए भी उनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जी, आज जो जितना भी समाज है सब शिक्षित है, सभी मतलब अपने सदग्रंथों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है, मतलब उनसे आज इतने उनके इतने अनुयायी बढ़ गए हैं, इसका विशेष कारण यही है कि उनका ज्ञान प्रमाणित है। आज कोई भी श्रद्धालु मतलब अनपढ़ नहीं है, अधिकतर सब पढ़े लिखे हैं, तो सभी अपने सदग्रंथों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रमाणित है, इसीलिए उनसे सभी नाम दीक्षा ले गए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, उनका डेली सत्संग आता है साधना चैनल पे, उस पे नीचे येलो कलर की पट्टी चलती है, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है वो आपको बता देंगे कि आपका नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ पे है। इसके अलावा आप संत रामपाल जी महाराज के बुक्स जैसे गीता तथा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह आदि पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी नंबर दिए गए थे, आप उन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके नज़दीकी नामदान सेंटर कौन सा है, वहां पे जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट